आज हमारे साथ शख्सियत के या अंक मा एक विशेष मेहमान हैं। मेहमान है ऊ जे अपने मातृभूमि मातृभाषा के लगातार अनवरत सेवा कर रहे हैं। हालात यहाँ तक कि ऊ दिन और रात सिर्फ यदि सोचत हैं और कुछ करत हैं तो या अपने मातृभाषा बघेली खेती करत हैं। नाम कौनो उनकर जो का है पहचान के मोहताज नहीं आया। यदि हम कुछ उनके बारे में बताई तो शायद वह एक अतिशयोक्ति होई। कहे कि अपना राम लखन बघेला ही अपना विंध के उस सिरमौर ही जेका हम पचे सुनी सुनी खूब हंसी ठिठोली खिलखिलाई थे। और राम लखन बघेल से राम लखन महगना के बने के कहानी से लेके और अपना का गुदगुदावे से लेके अपना का संदेश दे तक पूरा काम एक कवि करत हैं और अपने मातृभूमि के सेवक करत हैं। तो आज ये शख्सियत के विशेष अंक में अपना पंचर का हम विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में सब जने का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे शख्सियत के या अंक के। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपना एक छोट का निवेदन हमारा स्वीकार करें और हमका समय दिहन वक्त दिहन। तो भैया कैसा रहा सफ़र? सफ़र तो अपना के इतना उम्दा है कि हमारे घर के ऐसा कौनो शख्स ना हो ही। अबे माता जी से वहाँ बात हो रही तब उनका बताया कि मम्मी महगना जी आवल लागे हैं और उनका हम पचे सुनर रहे ना खूब जब हंसर रहे ना जब लॉकडाउन के दौर हो या फिर जब कब ऐसा वक्त रहे कि जब आदमी परेशान हो तो चला अपना का सुनन तो खूब खिलखिलाए के मन पड़े लागे। तो राम लखन बघेल से महगना कैसा हो गया ना अपना? एक हर आज या करीब 2003-04 जी से जब शुरुआत करन रिवा आकाशवाणी चौपाल में हमार कविता के प्रसारण हो जी। जब हम कविता हम जई करी जब बुलाव आवे लेटर आवे फोन आवे ये 2003-04 से फोन अब चालू है नहीं कि पहले तो चिट्ठी पत्री से सब काम होता रहा जी जी। जब फोन आवे जई जब हम कविता हम देवा करी तो हम कहा करी के कविता के एक थे नीचे के लाइन में अपन टाइटल नाम कहे राम लखन बाघेल महगना और हर कविता में अपन नीचे हम नाव के साथ महगना जोड़ देवा करी जी। तो एक हर प्रभाव यह पड़ा कि जहाँ तक कि यदि वह आकाशवाणी के माध्यम से जो लोग सुनत रहे तो अपन बघेली बोली भाफा नीक तो लगता है जी जी। और नीक के साथ और साथ यह जाने लगे सब कि केव राम लखन बघेल महगना कहते थे महगना किया ही महगना थोड़ा बहुत जाना रहे गाँव जी जी जी। और जब ऐसे 10-15 दिन में हमार नंबर आवे रिवा आकाशवाणी से कविता के तो जब समय सारणी बतामा कि आज उनका राम लखन के तो रेडियो के बिल्कुल ऐसे ताके यस बैठ रहा कि माने कहा समय चूक न जाई जरूर सुनाई खे आज यह मेरे के आकाशवाणी पहले चिट्ठी की परंपरा रही चिट्ठी डलवा कर के उनखर कविता सुनवाई जाए उनखर अधिक से अधिक कविता सुनवाई जाए तो जई तो आकाशवाणी के जो अधिकारी रहा तू कहबाऊ कर चिट्ठी देखी अपना के खातिर रही अपना के श्रोता बहुत था अपना के सुनाई चाहा था। तो हमारे मन में आवा कि जब श्रोता तो इंटरेस्ट ले हाँ सुनाई चाहा था तो हमका खूब लिखाई चाहिए। जब ए मेरे के थोड़ा आदमी के ऐसा लागे थे कि हमारे प्रति लोगन के कविता के प्रति रुचि बढ़ लागी अब कविता से स्नेह है लोगन के अब बघेली प्रफंद कर लागा और वह जब हमका अपने आप का आभास हो लागी इस चीज़ का तो हमारे लेखनी में कुछ थोड़ा वो ताकत ही आई मनोबल बढ़ाई लागत है। जबकि कौन चीज का फरा है तो मन व्यक्त नहीं कर पेटन पेटे बड़ी गुदगुदी अच्छा निकल माने सब सराहल लागा माने मां अहंकार की बात ही नहीं रहा है यह लागत है कि माने लोगन का अच्छा लागत है और लिखा जाए थोड़ा लेखनी और बढ़ान और मैं कहा कि लोगन का जब हास्य रचना रही तो कोनो ऐसा मन बनाए कि नहीं लिखी कि मैंने हास्य के कवि नहीं आए जी जी। लेकिन जब समाज में घटना घटत रही जी जी। वो ही कहा हम अत्ते तरीके से ठेठ बघेली बोली के बोले के लेके वो हास्य निकल आवे जी जी जी। चाहे जितनी वायरल भई पुराण रचना पहले के सबसे ज्यादा वायरल एक थे सब तरह अपना पंचे खूब सुनो नहीं फुरार वाली वो कविता कौनो मालक से चीज नहीं डालन घटना हुआ है जो सबके साथ घटित होती जी जी हमारे साथ घटित भय अब समाज में हर व्यक्ति के साथ घटना घटती थी। गंगा जी के मेला है जी जी। तो गंगा जी के मेला में वह केवल एक वृत्तांत यात्रा वृत्तांत लिखन
कि हम गंगा जी गए वहां से लौटने के बीच में जो घटना घटी वो अपने बघेली बोली के मारे पूरा हाथ से निकल गया। आजकल के फैशन में कि माने कौन मेर के लड़कन की स्थिति है कैसन देश प्रदेश जाता है कैसन थे ओखर लौट के का करत हाँ सियानम से कौन मेर बत माने वो सब जौन स्थिति होती ओहू के बघेली में डालन तो मैं पूरा हाथ से निकल आवा। कुछ व्रत उपवास में लिखन वास्तव में सच्चाई कुछ रहता है वो घटना में तो चीज जो समाज से जुड़ी बात होती रही वो वहाँ को अलग से मैटर नहीं लिया जी जी वह समाज से जुड़ी घटना के हम चित्रण बघेली में करें और वह बघेली के चित्रण सार्थक कलमकार वह होते जो नौकर एक रेखा चित्र खींच दे के सुनत के समय वो पूरा जो है तो माने आदमी के मस्तिष्क में वह पूरा पिक्चर चलत रहे बनत रहे वह दिखात रहे वो झांकी अंदर यह प्रयास करें एम तो ऐसे बहुत कविता है जैसे एक बफर सिस्टम में शादी ब्याह में ओहू के चित्र खींचन जब ओका पूरी रचना पढ़ी थी तो कई बेरो में लोगन के मार ठहाका मारू और बीच में हंसा था तो ओम धीरे धीरे हमार जो पहचान बन गए कि वो राम लखन हास्य कवि जी 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 तो जो ये अपना पूछन कि यह महगना जुड़े के जी जी माने यह कहाँ से कैसन महगना नाम अपना के साथ जुड़ा तो वह केवल आकाशवाणी के माध्यम से शुरुआत जो नाम डाले रहे वह राम लखन के साथ साथ महागना अपना के गांवों के नाम है। अब बल्कि हमार नाम भी फरे जाता था जे केवल ही वो अच्छा महागना जी का फोन हो तो बला लीन जाए फोन लगे हाँ महागना जी हम सोचित है भगवान हमार धीरे धीरे आते नाम घेरवा जाए और वह महागना भर हम कजनी तुम्हारे गाँव के ना तब बड़ी खुशी होती है गर्व होता है। हम अपने गाँव परिवार में जब जाई थे तो जब लोग बात कहा था कि गए रहना हदम हुआ तो जहाँ बताए महागना क्या सब पूछत रहे तो हमको बहुत जाना था हदम हुआ के लोग जाना था जे जहाँ मिला था तो यह लागत थी कि माता भगवती के आशीर्वाद है उनका कृपा है लोगन के स्नेह मिलल लागे यही के माध्यम से लोग हमका जाने हमारे गांव को जाने निश्चित तौर पर हम या एक कहा जाए कि लोग अपने नाम का तो बढ़ा लेते थे किंतु सोचिए कि कितनी बड़ी सोच की अपने गांव के नाम तक का मतलब आज यदि कहा जाए तो विंध्य छोड़ी हालात यह हैं कि प्रदेश नहीं अपितु देश तक माँ महागना जी सुने जाते हैं उनके गांव के नाम पहुंच रहा है बेहतरीन तरीके से मतलब वो शब्द में बयां नहीं किए जा सके कि लोग कौ में भाव माँ अपना का सुना थे और कितना प्रफुल्लित होते भैया वह एक थे जो मुँह फाट रहा कन बोझ जो दुल्ही के लैके थे अपना बनाए रहे और वह निश्चित तौर पर मतलब एक ऐसा मतलब कहा जाए कि हास्य माँ पत्नी हमेशा जऊ है एक बड़ा पात्र है और हास्य माँ पत्नी काहे हर चीज बड़े पात्र है मगर पत्नी के लेके पुरुषन में एक थोक बड़ा हास्य माँ उनका आनंद आवत है तो वह कैसा ना कविता रही या भगवान के बड़ी कृपा मानी जी जाना ठकुराई ने तब समोख लिखी यह कविता माँ समझदार निकल गई कहाँ जो दूसर जगह पर हो तम हाँ भरथया को जात हुआ कविता में कत्ते जब ओखा सुना तक फोन लगामा का जानी थे का कहा ला कभी तम कौन मेरे सुनाई हम रिकॉर्डिंग कहे ना उत्तर फिर सुना तो हम कही आज ना लगा दी है भाई हमारे घर जाके जब ना मना के दो रोटी पाई थे तो यह ना करब जब हम पवली कब श्रोतन का मजा लगावे खाते जाइए लिख दिन थोड़ी थोड़ी हमें नहीं आए यह उनका सफाई दे के पड़ता रहा पर सब लोग जाना था कि लोगन का आनंद दे के खातिर आदमी अपने ऊपर डालत है हम जो दुफरे के में है ये के में के कही दे तो वह तो पड़ गई हमारे ऊपर भाई कबो कबो मजा लेके जब अपने बीच में हम कभी सम्मेलन में रही थे अपन का मित्र मंडली रहा था जब अगल बगल रहा था तो अपने में मने क्यों नहीं बिगड़ता है दुफरे कैसे इशारा दे के उन्हें के छिलाई कर लेते करत है कवित्री होती है उन्होंने मने अपने बीच कहीं छिलाई कर लेते अपने शब्दन के माध्यम से तो कहे के कुछ लाइन सुनाए का मन काटी वाली कुछ नहीं हम पचे तब यह है कि अब लागत है कि अब आज अपना का यह बता दी कि बराते में आए हैं और सीधी माँ अपना के भाई साहब के ससुराल ही और आज अपना के बरात ही हम बरात से मतलब ये मान ली कि अब अपना दुल्हा से बड़े पदवी में हम अपना के बैठाए हैं और ये हमें खींच के ले आए हैं कि हमका सब सुनाइन का है और पेट भराओ सुनाए का है। बिल्कुल तिवारी जी जी अपना से हमारे फोन में बात है जी कि आज एक बारात में हम सीधी आई लाग है जी अपना बराबर संपर्क में बने रहन के कत्ती दार आई लाग है जो टाइम दिए अपना फेट टाइम पर लगा
कि हम पहले समा चुके हैं जी 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 कि हम भेजी थे अपना हमारे यहाँ स्टूडियो। अच्छा चीज का नहीं जाना रहन कि हम आज अब तक हमारे सकल अपना आज हुई, लेकिन अच्छा लागत है कि अपना पंचन के बीच में एक माध्यम आहन जो हमारे विचार का हमारे बात का सत्तर दूर तक लोगन के बीच तक यह माध्यम से पहुँचा थी जी। अपने को अच्छा लागत है और कुछ संदेशा वही के माध्यम से हम समाज का विंध्यवासियों के अपने बघेलखंड के लोगन को दे सकी थे और ये चाही थे कि जौन अपन हम काम करी लग है ये बघेलिन बोली कर लेके हमारे थे ये मन में बहुत इच्छा है कि अपने बघेलखंड के लोग तो बघेलखंड में बघेलिन बोला जी। अपने में जे जहाँ जत्ती बात करें दूर देश प्रदेश जहाँ कहूँ जहाँ अगर बघेलखंड के चार लोग हाँ तो अपने में हुआ बात बघेलिन में करा जी जी। और अगर हम अपने यहाँ यह बघेली का उपयोग न करो तो कहा बाहर के आदमी आके हमारे बघेली बोली। सही बात, ये हमारे पूर्वजन के पुरखन के धरोहर या हमका यह विरासत का संहारा हम पंचे नहीं तो ये धीरे धीरे बिल्कुल हरा जी। सही बात। अब आज स्थिति यह है कि हमारे अपना के घर के लड़का जो इंग्लिश मीडियम में ये सब कॉन्फ्रेंसन स्कूल काका खुली है हुआ हिंदी तो बात छोड़ी बघेली तो कोनो सवाल ही नहीं उठाए हिंदी नहीं बोले थे अंग्रेजी अंग्रेजी भूखा था जी जी। और लड़का घर आ जाए तो अगर बाबा जो कहो कह दी दादू रहिला चावला क्या बहिला क्या रहिला न जन ही आवे वाली लड़की सही बात चना तक जन ही हिंदी में मानी बघेली शब्द के जन्मे नहीं करी। तो हमार पंचन की यह कर्तव्य है कि हम अपने आवे वाली पीढ़ियों को बघेली के संस्कार दे कहे ए माँ हमार अवतर नहीं जाऊँ हो लगा जी जी। ऐसे यह चूंकि हमारी मातृभाषा बघेली बोली या जमीन से जुड़ी भाषा है। अब जितने बड़े बड़े लोग रहें चाहे अपने बिंद क्षेत्र के नेता इनके देखी महाराजा मातर सिंह जी का हम सुने हैं तो वो जब बोलत रही हैं सतर्त अपने बघेलिन बोली में बोलत रहे दाऊ साहब अर्जुन सिंह जी बघेलिन उनका भसड़ो होत रहा है श्री निवास तिवारी जो है तो अपने बिंद में बघेलिन बोलत रहे इन जो बड़े बड़े नेता लोग रहे एम ही प्रयास करें इन बघेली से जुड़े रहे एक एक कारण उनकी जमीन मजबूत रही। बिल्कुल सही बात। आज के बल्कि कुछ नेताओं से हमारी ये निवेदन है विनती है कि ओ जो ना तो बिल्कुल खड़ी बोली के प्रयोग न करा और बघेली न बोला बघेली उनके जमीन से जुड़ी उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आओ साथों साथ जब चुनाव आवत है तो उस समय तो सब नेता फिर राम लखन कह रहा था राम लखन से बघेली में गीत लिखवा बघेली की कविता लिखा अरे ओखर जरूरत न पड़े बघेली में लोगन के बीच अपन बात ही रखा जाए जी जी बिल्कुल। तो वह उनके हृदय के छुआ थी। अब हम जब लेक्चर दी हैं मार एकदम बिल्कुल गमई ही जनता भीड़ बैठा ली है और खड़ी हिंदी में दे लगन उनके पल्ले नहीं पड़ाता। सही बात है। वो बघेली में बोली उनका डायरेक्टर समझ में आवत ऐसी जरूरत ही है कि बघेली बोली भाषा के प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक संदेश है जी। या अपना के चैनल के माध्यम से जो जहाँ सुनत हो सबसे हमारी यह कहा है कि यह बघेली बोली भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करी आवे वाले पीढ़ियों का एक ही प्रति जोड़िए। और अपना के कुछ और प्रश्न के साथ साथ प्रश्न नहीं अभी यह रहा कि मतलब थोका एक कविता हो जाए तो लोगन के थोका मनोरंजन हो जाए या उनका लागे कि महागणेश जी बैठे कि हम कौन दूसरे का बैठा के प्रवचन देवाई लागे नहीं तो कहो ये ना लागे लागे देखिए वह तो बोली भाषा से समझ में आ गई नहीं छिपता है नहीं अपना का दिखे के बाद तो लोगन का देखी एक थे हम एहसास खुद करे हैं ना वो अपना के भगवान सरस्वती के माँ सरस्वती के अपना का सीधा सीधा आशीर्वाद है कि अपना लगातार यह भूया के यह भाषक सेवा कह रहे हैं और जोने के बदौलत है कि माँ सरस्वती अपना का लगातार आशीष देती हैं तो मतलब हम तो सुन के बड़े भय हैं अपना का मतलब जब से जाने लायक बहन तो अपना का जब सुनी तो लागे कि नहीं वास्तव में जब बघेली के लोग दूर दूरावत है जैसे कुकुर होता है तो कहें कि ओका खिलवाई चाहते हैं ओका दूरी भगावे चाहते हैं तो मतलब वह दूर दूर वाली स्थिति में बघेली का जब लोगन का कहे कि हम पचे खड़ी हिंदी बोले माँ घरे वाले कुछ भले घरे में हमारे बघेलिन बोली जाए मगर पढ़ाई काम का इंग्लिश मीडियम में है खड़ी बोली बोले है या है मास्टरन से जो वार्तालाप हो तो कुल मिला के ऐसा हीन भावना से जो देखे के एक नज़रिया रहा आज के दौर में हमका लागत है अपना पचे जैसा सेवक हैं ओके बदौलत बदल रहा है। तिवारी जी एक बात जरूर कहब जी जो हमारे पंचायत समय रहा जब पढ़ाई लिखाई
94-95 में जब हारिफ कंडी मझौली में हमारे पिताजी हारिफ डिप्टी रेंजर रहे मझौली में, हमारे सीधी न शिक्षा दीक्षा भय पिताजी के साथ में रहे मझौली में। वह समय के दौर की याद आवा थी, कविता तो अपने हृदय में अंदर रही ओकर मैंने संस्कार तो रहा, लेकिन वातावरण अनुकूल नहीं मिलत रहा उस समय। कवि सम्मेलन ऐसे जुजबिन कब कहा सुनाता रहा कि हदहिया कवि सम्मेलन भा है 4-6 महीना में सुनबे मावत रहा। आज के एक दौर आया वा लोगन में कविता के प्रति मतलब लगाव भा, लोग जुड़े कि हर तीसरे दिन पूरे दिन हम कहो न कहो एठे मंच तैयार बड़ी कवि सम्मेलन हो रहा है। लोग यहाँ तक जन्मदिन में भागवत के समापन में यहाँ तक के तिलक शादी तक में कहीं आहार कीर्तन नाचन टंकी न कह के बढ़िया सुंदर होता है कवि सम्मेलन करावा जाए बघेली कविता के आनंद अलग हुई। यहाँ तक के फिर वो बल्कि नाम नेट कर रहा था कि राम लखन सिंह का बल आए और वो बहुत महागाव नहीं आई महागाना गाँव के आई महागा नहीं आई जो जौन उनका दे देता है वो बड़े प्रेम से ले लेता और उनका बलाई बढ़िया टीम लेके आई तो बढ़िया जोरदार कार्यक्रम कर दी तो वह बल्कि उनसे अच्छा रहा था। यह लोग आज स्वीकार करें और अब यह शादी वादी में जो चल रहा है यहूँ में दो चार जगह से आई, लेकिन यह तो जरूरी है ना नाते रिश्तेदारी छूट जाए अगर यह हम समय न देता तब इनसे लगातार यहूँ में कार्यक्रम लोग करावे लगे हैं। तो बड़ी खुशी की बात थी कि हमें मत संकोच नहीं करता, कुछ लोग अपने आप के हीन भावना माना था तेरे वो तिलकम का कार्यक्रम करे लगे। हमको ये लगता कि हमारे बघेली बोली भाषा अगर लोग कौन कार्यक्रम करा मत श्रोता तो शादी में श्रोता तो सम्मेलन के मंच में लोग तो है ना तो हमका कौन संकोच ज्यादा से ज्यादा हो। तो हमारे मकसद यह रहा था कि लोग कजात यही की आड़ से हमारे बघेली बोली के खर थोड़ा प्रचार प्रसार हो लोग जुड़ा मकसद यह रहा था। तो कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा हो लगे हैं, मैंने कहा कि कवि सम्मेलन अब यह केखर बजा हुआ तो हम नहीं कह सके कि हमारे कविता के प्रभाव उत्ता पड़ा पूरे बिंद हमारे लोगों के रुच पैदा भाई सब अपने बीच में अच्छे अच्छे कवि हैं वरिष्ठ हाँ एक है पहले लिखत रहे हमारे गुरु जौन है जेखा हम अपन वास्तव में गुरु मानन बघेली के हम अपन आदर शंभू काकू को मानी क्योंकि शंभू काकू सम्राट हैं और उनके साथ हमको बहुत मंच करण और हमका एकात मंच में खुल के आशीर्वाद दी कि दादू हम तो ये मानत रहन कि हमारे बाद यह बघेली के उत्तराधिकारी क्यों ही कहो अस्त न हो जाए पर अब हमका विश्वास हो गया कि एकात पीढ़ी अब जिंदा रही बघेली तो यह ऐसा आशीर्वाद भरे मंच में बड़े कवियन के बीच में उनका हमका मिला रहा। तो हम तो मानी थी कि और नहीं कि आशीर्वाद फली बहुत होता है गुरु के आशीर्वाद माता भगवती की आशीर्वाद अब अपना पंचन के सबके स्नेह जो मिले थे वह सब कुछ ताकत या अपने हाथे का अपन तो कुछ न हो हम तो एक निमित्त मात्र हैं राम लखन के मतलब निमित्त मात्र हमसे वो अपन ये सेवा करवाती रही हैं शक्ति दे वाला तो है ना माता भगवती हैं तो इन्हीं की आशीर्वाद लेके ये सब काम करी लागे अपना का हम अब बघेली कविता सुना दी और सुनावे के पहले चूँकि अब हमार पहचान हास्य बघेलिन बन चुकी है अगर हम चाही कि आध्यात्मिक कविता बहुत लिखें लेकिन हमारे खमन चमन के सुनते नहीं। अच्छा हमारी ये पहचान ऐसे हो गया मैंने चूँकि हल्की कविता हलू की है हास्य की कविता हलू खू थी जी जी जी। लेकिन मजा आवा थी इस चटनी के काम करा थी भोजन बहुत एक कदाई दे बढ़िया चटनी जब तक न ले तब भोजन के मजा नहीं मिले ती चटनी आए हास थोड़ा तत्कालिक आनंद मिला था और जो वास्तव में कविता गूढ़ रही और साहित्य से बघेली साहित्य जो नेम है वो बघेली साहित्य आजकल के सुने के बहुत कम ऐसा श्रोता है जो सुना था उनका तो तत्काल आनंद आवे चाहिए तुरंत मतलब एकदम के सुनी नहीं कि ठहाका लगाई तब तो उनका मजा है ऐसे हमारा ये व्यवस्था है तो मजबूरी है कि हम कफे में लिखे का पड़ा था कि काहे वह मन बना के वह आस्था से लोग बलावत थे कि सब अलग अलग विधा के कवि यही वो वीर रस के हम श्रृंगार पढ़ी में पढ़ी हास्य में राम लखन का बला लीन जाए। अब जब हमका हास्य के नाम बला लीन था अब हम बध के बंधन में अब हम कैसन के अपन वो अध्यात्म वाली सुना दी तब तो माने उनखर फिर मन के थोड़ी तकलीफ न हुई के बलान एक खातिर हृदय पढ़े लगे तो हम फिर मजबूर हुए कि ओखा पढ़े के पड़त है नहीं रचना हर विधा के हम हाँ जैसा कहो श्रीमद भागवत महापुराण के समापन भा
उनमें उलम से कविता दे थे कहाँ संस्कारिक सामाजिक है उनमें हम फिर दो चार रचना वहीं में पढ़ा जी जी। और समाज का संदेशा दे वाली कुछ ऐसा रचना लिखा नशा पर कि ओखा सुनने के बाद कुछ दिन बाद मिले और कहें महगना जी वह कविता जब से सुनन तब से हम बिल्कुल संकल्प ले लें बिल्कुल नशा हमार अपना कि कविता के प्रभाव पड़ा जी जी। अंदर बड़ी खुशी होती कि कम से कम चलिए हमारे कविता के प्रभाव से एक थे परिवार तो बचा जी जी बिल्कुल। तो अपना के कौन रचना सुना देंगे हम तो कहा कि पत्नी वाली एक पे जो पत्नी से मतलब तकलीफ मानी थे तो सुना दे हम का मानी थी अब माने बना रहे ना यह है कि सबके पीड़ा अपना गाय दी है तब चलिए जी। बहुत पहली पुरान रचना है एक थी अपना इच्छा व्यक्त करने का हम सुनाई थी जी। रात दिना हम घुसमन सही के पच्ची होइगन का करी के रात दिना हम घुसमन सही के पच्ची होइगन का करी और नधे रही कुल हुआ कफ बर्दा भला बताई कहाँ टरी छोटे माही गमन ले आई के मूड़े माधा दिहिन पहाड़ और दिन भर फैफन बदले फाड़ी जबके मैकेम रही कबाड़ अब मुँह फाट हबै कन बोझे तक मूड़ देखात हबै जस घाइला और नाक बना बफुला कफटेणी और कान के छेद हबै जस पैला टांग दुनो बकुली कस पातर हाथ है जैसे बमूरे की चैला और दांत निकारत रेंगत राह में झोटी झुलौती है जैसे कथैला आखी हबै खूपर कफ गोल ओहू में थोपति है जब काजर त लागत है घुसिया ब पटाऊ के माँ चमयाजू बगई चके बांदर अब वह तमक झमक के बोले खासा खून छनक जाए एक परी अब न धे रही कुल हुआ कफ बरदा भला बताई कहाँ टरी या सुखौटन लूड़ा लागे या सुखौटन लूड़ा लागे बनगा है घर हमका जेल काजर करीम लपेटिक पाउडर कहाँ मिले महकन मा तेल वही सोड़ा सिंपू लकफ के फाबुन यहाँ फिर यहाँ फिरोज मगाम और जौन दिना नपा में मन के खफ खफाई के धाम दाढ़ी मूछन जामय पावा तब से मूड़े बिपज परी सात आठे लड़का हो गए भला बताई कहाँ टरी खुरखुंद मचामा यागन फरिका गलरिम साही हल्ला छानी छपरा फोरे दिन भर बगर गबल्ली बल्ला पके फूटे मा काटन मेजन चार छखाड़ी गल्ला तलई के मुंह फर कोट के काड़ी माल लिहिन मस्कल्ला और जबके बीए फटियर पास गए हैं बीए फटियर पास गए हैं बनने ठाहर कौनो काम है फादर मादर यंटी फिटर बदल दिन घर भर के नाम हम बहुत दिना के बाद लखन बहुत दिना के बाद लखन अंग्रेजी में अस बोले फूहर सेटाप इडियट नाइसेंस कह दौड़े सबका लयके मुँह पर और जिन छोह के दिन कबहू माठो तक्का ललई और जबके नेऊना साड़ी घर के खात है कुकुर पिलाई वह साँच के टुप्फा रोटी फेंकर साथ में झोरे नॉन प्याज कहाँ मिला या बरा मुगौरा इंदर हर के कढ़ी रफा वह फिर से थे आफत आई अब तिवारी जी कहा बताइए कहता मलाजी लागत थी फिर से थे आफत आई भला बताई का करी न उमो लड़का पेट में आवा मत मर गए अब कहाँ करी कहाँ तक पूजय हरदी घिगुड़ कहाँ तक सोठ करायल अब बधाई फेठौरा फालय हूँ फै बेचिगा फकरी पायल एक तय उतय मूड़े माँ बैठान फुरुन शुरू माँ करन दुलार अब हमका नौकर मान के रखें आपन उल्टा बनी भतार और रही करम माँ मिल गई हमका पेटे के दुख कहाँ धरी अब नधे रही कुल हुआ कफ बरदा भला बताई का करी नधे रही कुल हुआ कफ बरदा भला बताई का करी बिल्कुल या अपना सुन के रचना या अपना जो मूल रचना है वो बहुत पुरान रचना है ओके बाद अपना इतना ज़्यादा लिख चुके हैं कि हर शब्द तक के अपना जो है अपना का मायने यदि बताऊँ शुरू करी तो एक लंबा अरसा बीत जाए और वक्त जो है लागत है कि अब यहीं ठुरुक जाए वो अपना का सुनब बंदे न कीन जाए हालांकि अपनों समय से बधे हैं और एक बेहतरीन रचना है जहाँ हर शब्द में अपना का हास्य मिली हर शब्द माँ हंसी ठिठोली मिली और वह घर के जो गांव के घर होते हैं ओकर सोंधी माटी की खुशबू मिली हर शब्द माँ ता कहन कहन लागत है कि वास्तव में यह राम लखन महगना न हो गावत थे ये कहन कहो माँ सरस्वती अपना के बिल्कुल
अपना के बुद्धि विवेक और शरीर में जो है वास करती हैं कि वो इन एक एक शब्द मुँह से निकलती हैं, तो अपना के एक बड़ी एक और रचना खूब वायरल है कि अपना ससुराल पहुंच गए रहन। वो तो बहुत वायरल है। वह ससुराल पहुंचन फिर का भा कैसन भा? अगर हम ओके जगह जाऊं जाऊं अपना का मतलब फर फरमाई की रचना जी इस समय वर्तमान में जी या शादी ब्याह बफर भोजन सिस्टम खूब वगैरह है जी जी और वहाँ के हालत जब देखी थी मान ली बफर की जी और हूबहू वही घटना अपना का यह मिली सुने का जी। अगर कहीं तब बफर पर शायद ये वायरल नहीं खाई से पहल बेल लोग सुनी अच्छा लगे या एक घटना हमारे सामने घटी परिवार के यहीं जो श्यांग डांगर रहे बराती उनके घर से निकली लटनाती के ध्यान आवा कि बाबा काहे रह जा लगा लग चला उन्होंने बरात गे गे दिन गछन बाबा चलिए अपनो बरात के दादू हमका सियान आदमी है 85-90 साल के कहीं हमका एक मुठ्ठी हार ले घरे में पड़े रह गए हमारे नहीं पवती आए हम ना लग चला हमका कहाँ हटता हुआ हमका ले जाएगी बाबा अपनी कहते खूब मना करी पर नातू के प्रेम अरे नहीं बब्बा चली अपना नहीं बब्बा चली कार में बैठा हो अब नातिन के प्रेम आए बब्बा कहीं बाबा कुर्ता पर दें यार झाई मझाई के गाड़ी में बैठे बरात गए हुआ एक आजकल शादी ब्याह में परंपरा है कि जब द्वार चार के बाद ऐसे इकट्ठा एक जन आवा था हाँ अपना पंचे चली भोजन ली है सब लोग भर भराई उठ के चल देता अब सभी कहे 10-11 बजे भूख लगी आप जी जी अब सबका तो कह दी ना बूढ़ो बिचारू हो 85-90 साल के अब वो का कर सब उठे तो बुढ़ाई दारा वो भूख लागा थी वो उठ के चल देता या हम अपने सामने घटना पर एक कभी के निगाह उनका जरूर उनकी कहीं हमारा ध्यान रहे कि के ध्यान नहीं दे लगे कि थोड़ा उनका अलग से भी होता करिए वो भी डोकर जो करे वो चले अब बराती मस्ती अपने महापने अपने धुनम के खा देखा था उनके साथ एक घटना देखी थी तब ये कविता हम जी, लिखन जी, एक खरा आनंद अपना ले अपना के चैनल के माध्यम से लोग जे जहां सुना था कि पहले पहल बफर में फंस गए एक जन डांगर मनाई और नाती केर बरात कराएगे पाएगे 5-8 पलई रही बराती गमैया खाफा याधे रहे पियक्कड़ अब पानी पिंगल करत गली में खांसा चाय चुअक्कड़ पहुंचे आधी राती बराती फजै धजै सब लागे और नाचू माचू करी हरबरी कुछ जन झूमै लागे और बजगीर बिचारे बिंट कठों कई मारे मस्त लकौरा और गली में लड़का कूदै लागे चढ़े बरम कब चौरा दुआर चार फे जैफे निबरे दुई सोफा लग बाहीं और लड़का बिटिया दोनों हुनका ही अगल बगल बैठाई अब एक दूसरे के घुटकिन माही दोनों माला डारी और बर कन्या के मची दिखाई फोटो खूब उतारी मान ले कौआ बोलत भाई भिमफारे भोजन केर तैयारी डोंगी डोगम भर के रखिन मेर मेर तरकारी तब बद 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 खाए के खातिर मर भूखा पब टूट पड़े जैसे बहुत दिना के बांधे गुरुआ फार फिर छूट पड़े तह तह एक साथ है सबको घुस गए पेट खलाए ढोंफी ढोंफा मचगा खाफा यन मचुआए अब बितुलिया गे दिखते देखत सब साथ है सौदारी अब रही बरात गमैया खासा बिन चमचे सब काढ़ी बर के बब्बा घुस गए भीतरे हुआ बर के बब्बा घुस गए भीतरे करिहा का निहुराए खलरी सिकुड़ी दांत झरे सब गलुआ का चुचकाए सांस फूल गए दम भरियाबा पहुंचे नहीं नगीचे अब करिहा धर के खांसे लागे जैसे बैठ गए नीचे तैसा एक के पौवा छाने बुढ़ाऊ के ऊपर गिरीगा भरा प्लेट पिठाहे माही और धय हाफे छटिगा तब बकुली बरन लका लखाफा पहिरे रहे फुथन्ना तेल मसाला फम फौदर का बपुरू केर उपन्ना दह पोंगी दह पोंग मचाई लड़का मारी नी हक्का अब बुढ़ाऊ बिचारू का करे मुंह फार के हो ये बक्का उठे चुपा रहे कैतिक बैठे सोचे लागे मनमा अपने जमाने में का दिखन ते का देखन ये तन्मा के पंगत पतरी दोनमन के फवरीत रिवाज हैराने
अब बसी का भोजन मड़वातर जो बैठत रहे ठिकाने। मेर मेर के सालन तीमन खाफा बड़े मुगाउरा लखन बाघेल महगना पुहन कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। बिल्कुल वक्त और वक्त के नजाकत रही यह कविता जो आज के दौर में हम पचे देखी थे कि कहन कहूँ बफर सिस्टम में एक कहा जाए कि जो मैं पुरन का ही बात अपने के द्वारा रखी गए कि पहले पतरी पाँती में बैठ के जो हम आप चन के जो वास्तव में पारंपरिक भोजन रहा रसाज कढ़ी मुगौरा और कुरौरा मतलब कुल मिला के ऐसा व्यंजनों आई गए उमा संस्कृति आई गए परंपरा आई गए तो कुल मिला के हर चीज़ के समावेश अपना की कविता जो एक बेहद अच्छा संदेशों देती कि कहो न कहो वो संस्कृत परंपरा का रक्षा करे के सुरक्षा करे के हमारा अपना सबके आवश्यकता है। जैसा एक बोली भाषा का हम पचे सब जने कहे कि बोली भाषा हम कब चैन का दे रही है बनाए हुआ रही है हमका हम पचे तो कुछ शायद यदि 10% 5% भर यदि अपने बोली भाषा की दिल कह देव तो निश्चित तौर पर अपने आप का एक खुशकिस्मत मानव कहे कि वह जो बोली है वह खुद इतनी समृद्ध ही कि हमारा दाई कबो अन्य भाषा के सहारा लए बिना होकर काम चलेगा 190 साल से ऊपर यदि ओकर जीवन होगा तो वह समझे लायक बात ही कि हमारा बोली कितनी समृद्ध है ओकर जिंदगी में कौनों काम नहीं रुका। तो निश्चित तौर पर अपना सेवक यदि बने रही हैं तो निश्चित तौर पर यह बघेली बोली अनवरत यह में निरंतर हमारे अपना के बीच में रही और निश्चित तौर पर एक बचावे की आवश्यकता है कि हमारा लड़का बच्चा अपना बचन के घर परिवार में सब जने बोले कहे कि या कौनो लज्जा करे के बात ना हो या एक गौरवान्वित करे के बात यह हमारा चैन की पुरीखा कितना एका शोध करीन हो ही कितने शब्द खोजीन हो ही तब जाके यह बोली एक इतनी बड़ी समृद्ध बोली बनी कि केहू के काम नहीं रुकर रहा न उनसे अंग्रेजी बोलत बन रहा न उनसे खड़ी हिंदी बोलत बना रहा मगर उनका जीवन कब रुकर नहीं रहा नहीं रुकर रहा तो काम चल रहा अच्छे से काम चल रहा। और हम सब जन से शायद आज के दौर से और बेहतर तरीके से उजियर रहे आज के मने के उम्र 50-60 साल 80-90-95 100 से सब सब क्राफ्ट कर मतलब शतक से नीचे समय जी जी तो निश्चित तौर पर खान पियन से लेके रहन सहन के खातिर जिक्र करन है कि पहले काहे रहा वो कारण रहा जी जी क्योंकि अपना के चालू है दो लाइन हम देखिए जी जरूर। एक जमाना रहा कब जब यंचड़ मनई होत रहे और कठिया गोहू कई दरिया फरपोट के माथम खात रहे भूजे महुआ कई लाटा डोभरी खाफा चुरती रही वह जमाना रहा कब जब डिहुला कई बगरी फूलत रही उनन की बा जोनरिन के फूटा हरियर गादा कई घुघुरी और भकर भकर जे चाबी नहीं हुई ही अजुआ उन खाना भी सही उ खर खर बनाया गा कर खाफा मोट पन्हती कोचा और खई थपोल मलोंदा भर घी उदिन अब ना सोचा आज तेटली डोसा मोसा चाउमीन के फैशन है अब बदला ताज जमानम देखी के लड़का उन्हें कैसन है आज के समय के हिसाब से वह चक बुक फप कई के फैफन ली है मोबाइल रगे रहा काला अक्षर भैंस बराबर पई अफर कब फजे रहा वह दिन भर मार में छर्रा बागन खाए के खाफा है दुदुआन अब नाव करे का पढ़े लिखे पई अकलिन माँ है बेर सका अब पढ़े हमें दुई अक्षर दादू जो प्रदेश से लटका था यह गांव पियम था छाप बिचारे फै अंग्रेजी झटका था अब जो फरमाए के निहुरे पांच हुए का हाथ धरा था गुठुआ फरमाए के निहुरे पांच हुए का हाथ धरा था गुठुआ माँ अब दफन खली सा बने पैंट मा घफने का बटुआ माँ कई के चौकीदारी लौटे गांव में जलवा झा रहे जैसे फुरफुरी अफर हो गए गप फड़ाका मार रहे चार दिना का बिलिस के पैकेट लिए खलीसम बागा अब पचमे दिन से कुट्टी बीड़ी दांत निकारत मागा सूधे मुहे न बोले जब से फिर के आमे भमरी तिफरे दिन ससुराल के भागे लयके झोरा गठरी और जत्ते रहे सगौरा घर के कक्कू काकी भैया अब सार के आगे कुछ न रहिए बहनी और बहनोई ये देखते देखत कहाँ चली गए आपन रेत पुरानिया अब ना फरिमन लड़के रह गए अब ना लक्ष्मी रानिया कहे राम लखन बाघेल महगना या चढ़ा लिया कनिया या
एक रचना निश्चित तौर पर समाज का बेहद बड़ा संदेश देती है कविता, जो ने महास्य के साथ एक ऐसा कठोर व्यंग है जो वास्तव में हमका अपना का सोचे मजबूर कर देते हैं। सोची कि वह व्यंग जो आज के युवा दो अक्षर पढ़े नहीं कि वो अपने आप का एक बड़ा अंग्रेज और बड़ा विकसित व्यक्ति माने लागत थे और कहन कहो बुजुर्गन के प्रति उनका भाव बदल जाते हैं, उनके प्रति जो है राम लखन महगना जी के का सोची है। और निश्चित तौर पर यह सोच आज के समाज का यदि सही दिशा में ले जाए है तो हम कब जिनका बदलाए कब पड़ी। खूब पढ़ी, खूब बनी, खूब कमाई, खूब खाई, किंतु जमीन का यदि छोड़न तो निश्चित तौर पर कहो न कहो मूल्यन के यदि चरण हुई तो इंसान उठे समृद्धवान नहीं हो सके, न समृद्धवान के साथ साथ कहा जाए कि वह सामाजिक प्रतिष्ठा होकर वह खोखली प्रतिष्ठा रही, छिछली प्रतिष्ठा रही। जो माटी और जमीन से जुड़ी प्रतिष्ठा होती वह निश्चित तौर पर एक कहा जाए कि जैसा माँ गंगा के धारा ही अविरल निश्चल और कहा जाए स्वच्छ धारा, वह में कहो न कहो वह प्रतिष्ठा होती जो जमीन से जुड़ी होती। तो भैया अब एक थे चलत चलावत एक ऐसा व्यंग हास्य हम सुने चाहब जो ससुरार वाली कविता ऐसे बेबे हम कह रहे हैं कि लोग अब काज तो अपना डर हुआ बफरा होगा आए दिहन लड़कियानों को बताए दिहन कि कहूँ में हो। अब ससुरार जब भाई अब काजे के बाद ससुरार तो पहुँचे परी यदि या फिर अपना वो कोनो ऐसा रचना जी ससुराल की बहुत बारह तिवारी जी तो हमको लागत थे कि कुछ नया जाए जी। और चूंकि एम जो अध्यात्म की दे दी जी जी जरूर, चूंकि अपना चैनल ये लंबा तक चली तो खबर की दो टुकड़ा में अपना जी जी। और एक हम माता भगवती जो हमारा आराध्य देवी है जी, जी। माता काली हमार इष्ट देवी है, यहाँ तक के माता काली जी का करीब 25-30 साल पहले ये हम जीप काट के चढ़ा दी हम तो आज जी। बहुत ज्यादा मालूम होती जी जी जी। सब कुछ उनका आशीर्वाद आए उन्हें इनकी कृपा आए तो हमारे मन मावा हमें थे काली खंड काव्य लिखी जी, जी, और हम वो काली खंड काव्य के कुछ बंद लिखन है जी। तो चाहे थे चूंकि वो में एक बहुत बड़ी विशेषता मिली अपना का जो वास्तव में अगर बघेली साहित्य से प्रेम रखने वाले जो लोग हुई जी, तो ओखर मूल्यांकन अपने तरीके से समीक्षा करी जी। एक आठ रचना हम ऐसा चाहिए थे जी, जी, बिल्कुल जो हमारे समाज में पहुंचे जी। कारण ओखर विशेषता यह है कि वो हर लाइन में हर पंक्ति में एक अलंकार अपना अनुप्रास मिली और दूसरा चीज वो वर्णात्मक क्रम से है, अगर एक लाइन क के है तो दूसरा लाइन खा है, तीसरा लाइन गा से, चौथा लाइन घा से, अद्भुत और चा छा जा झा ये मेरे के लिखत गए हैं और अंत में मम आई कि वो कविता हमारी रुक जाती का से मा तक लिखा और हर लाइन में अलंकार है क्योंकि अपना बघेली साहित्य के समीक्षक है, अच्छा बघेली बोली थे और बघेली पर अपना अच्छा काम करी थे और बघेली साहित्यकारन के कवियन का अगर अपना के प्रति एक यह ललक है प्रेम है कि उनका बुलाई के अपन समय दी थे उनकर कविता अपना ले थे और अपने चैनल के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अपनों के दायित्व है भैया कनिष्क जी कि जुड़े बहुत दिन से हम अपना रहें लेकिन ये आज पहल बेर ऐसा सुंदर रूबरू हम सामने रहे अपना कि काम से हम अंतर में बहुत गर्व बहुत खुशी है हमारे पेटे में ये अच्छा काम करे लागे अपना। तो एक थे वो कविता हम चाहब के हम सुनाई अपना का ओकर पहले कुछ बंध हाँ जैसे माता भगवती पर लिखन फिर वो हम बीच में वंदना लिखरी कुछ तो पहले छंद से लिखा फिर बीच में जैसे स्तुति करत में वंदना लिख रही है माता जी के हमारे तो वह वंदना के कुछ छंद हम हुआ का से मा तक देव पहले जैसे एक लाइन दी थे माता काली की एक स्वरूप के वर्णन करी थे कि करी हाँ कई बड़े बड़े काली बदरी के नाही झूलत हमें लट चारू कई ते छिटकाए हा लप लप जीभ लप लप आई लाल लाल लोहु लील तू तो लागे जैसे लाली मा नहाए हा अब बन तू है जवरण चंडीरण भूमि माही के बन तू है जवरण चंडीरण भूमि माही तीनों लोग कापी उठे देव तो थर थराता हाँ और अट्टहाफ कर तू है मारी कीले कारी जब छोटे मोटे दैत्य बिना मारे मरी जाता हाँ के अट्टहाफ कर तू है मारी कीले कारी जब छोटे मोटे दैत्य बिना मारे मरी जाता हाँ यही
छंद किया हम अब स्तुति किए थे कि ये बहुत है बीच में तो हम वंदना सुनाई थी अपना जो उनका से मतक है के काम रूप काल रूप काली के कंकाली रूप कबो कबो काल के रे काल बानी जातू हा के काम रूप काल रूप काली के कंकाली रूप कबो कबो काल के रे काल बानी जातू हा खड़ा गौर खपड़ लेख खमारी खेदी खेदी खूब खिसिया तू खलखलाई खाफा खातू हा गंगा गैया गीत गौरी ज्ञान के गायत्री तू गाँव गाँव गली गली गीत गुनगुनाय दे घरे घरे विद्या घोरी घोघामा घुफेरा घुटे काव तू घमंड घटे घंटा घहराय दे चारे चारे चली अब चबूरी चबाई के रे चुट्ट में हचारी कैती चक्र का चलाय दे छिटका है छल छंद छली छित रान हम छक छक छारा छाटी छाटी छप छपाय दे और जहाँ जहाँ जातू जोर जोर जय जयकार होए जेका जेका जन तू है ज्योति जे जलावत हां झांकी झका झक धन झोंकी दे तू झटपट झर झर जैसे झरना फिझरावत हां ते टुरबन के टोरैली टंट पाली का ना देखा तू टोरी टोरी टू कड़ा न टू कटर काई दे और ठगा न तू ठंड होई के ठो मामा ही ठो फिठो फिठाड़े ठाड़े ठार ठाराई के ठेगाई दे और डेरा डाली डोला बन डेहरी के डाड़े से हट करी माता जी से के डेरा डाली डोला बन डेहरी के डाड़े फे डंकन इनके डोरी देखी डेरी फे डेरा बना ढूंढन ढेरी आए ढौड़ी आए ढड़फी आई के ढोस बैठन गौ बजोता ढेला मा ढोफा बना तो होका जो तन तनाई ते गत्री फूल तानी ताकत के तेज माही तानी को तक बीज ले थर थर जो थर थर अब थक्यू जब थोर थार थाती के था नहीं था लिया था थोली ले त दया के रदान दया दुख देख दूर करा देवी के दयालु दीदा दुआ दई देती हाँ और धन का धराय थक्की आय दे तू धुधुरी माँ धीरज धराय ध्यान धर्म धई देती हाँ त नहीं बनी फेवानी का नागा जो नफानी होए और नाम ने रियान हवे निंचिका निहारी दे अब पापी पेट पेरी राह पीछे पर पाप के पपीरा न पटानी पुण्य पीफ के पियाई दे फेरी फेरी फिरी फे फियाई फर फूल ली है फूरी फूरी फट फे तू फर धनी आई जा बीच बीच बिना तू बुलाए बागी जा तू मैया बेटा बा उबान बफ बोली बती आई जा भूल न भवानी भक्ति भाव तू भराई दे भक्तन के भीड़ भाड़ भारी भार मारी हो और मंद मंद मुस्काई माने के मलाल मेटी माफ कर मैया मौका मोरी महतारी हो मंद मंद मुस्काई माने के मलाल मेटी माफ कर मैया मौका मोरी महतारी हो बोली आदि शक्ति माता भगवती की जय जय माता जी। तो यह माँ के वंदना गीत और निश्चित तौर पर मन का बिल्कुल भक्तिमय कह दे और शक्तिमय कह दे वह गीत रामलखन महगना जी के मुँह से आज हमारे या कहा जाए एमपी संदेश न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल में पहल में अपना एहसास करे हो जब अपना का एक व्यक्ति जे सबका हसाबत हो और जब वो केहू का भक्ति मलिन करे चाहत हो तब वो कैसा भक्ति में लीन कह दे थे या अपना की यह कविता बिल्कुल ओकर परिचायक बन गए और आज जो में हमका वक्त मिला अपना के जो में स्नेह मिला आशीष मिला हमार अपना कहा जाए कि या जो एक छोट का प्रयास है बघेली न्यूज चैनल हम सोचे रहन कि न्यूज बघेली में को सुनी हाँ। मगर अपना पचन के आशीर्वाद जे सुने वाले हैं हमारे यह छोट का परिवार 1,63,000 लोगों के हो चुका है आशीर्वाद से तो ये लागत है कि यदि लोग कुछ विश्वास कहे हैं तो उनके तक वह चीज पहुंचाई जाए जो वास्तव में बघेली खितिर जीव जान दे हैं। तो अपना पचन के प्रेरणा लेके हम यह छोट का प्रयास शुरू करें और आज यह प्रयास अपना पचन के आशीर्वाद से धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और निश्चित तौर पर हमका पचन का कुछ होना चाहिए अपना पचन के प्यार आशीर्वाद यह में यदि लगातार कवि एक पत्रकार जे समाज सुधारक हैं समाज सेवी हैं इनका सिर्फ अपना पचन के एक विश्वास और आशीर्वाद चाहिए यदि यह मिलत रही तो आजीवन हम पचे यह में अपने मातृभूमि और मातृभाषा के लगातार सेवा करत रहा यह हमारा वादा है और अपना पचन के मार्गदर्शन में लगातार सदैव एक नई ऊर्जा के साथ हम्पी संदेश फिर नए शख्सियत के साथ सामने आई तब तक खितिर आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल धन्यवाद प्रणाम।